बना के और सबको मार के सिर उड़फाड़ दिया। एक काउंटर पे गाड़ी लगाने के चलते हम लोग को गाड़ी नहीं लगाने दिया जाता है। तो गरीब आदमी सिक्का सिक्का एक एक रुपए के लिए चून चान करता है और पब्लिक से पिटाता है, ये टेम्पो वाले का दशा है। जोर जबरदस्ती दुकानदार लोग कहते हैं कि यहाँ से नहीं लगने देंगे हम ठेला टेम्पो तुम्हारा। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। पटना स्टेशन के ठीक सामने आप देख सकते हैं कि जितना भी ऑटो आपको दिख रहा है, आपके नजरों के सामने है, उसका शीशा जो है वो टूटा हुआ है। यहाँ जितने भी ऑटो चालक हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे रोड जाम कर दिया है इन्होंने और शीशा किसने तोड़ा, क्या हुआ, क्योंकि आप देख सकते हैं भीड़ जो है वो जुटी हुई है। सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं आपकी किस तरह का माहौल है, किस तरह का माहौल है। पूछेंगे कि क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ यहाँ पे, बोला था भी आपको यहाँ पे शीशा फोड़ दिया गया सर। करीब 100 से 200 टेम्पो का अंदर में पता है दूध दही जो पनीर बेचते हैं वो लोग फोड़े हैं। अब पहले से कुछ बोले नहीं है कि हाँ ऐसा कुछ बात है, एक बैग ला के सब फोड़ दिया। डंटा वहाँ रखा हुआ है, जितना डंटा है 100 को डंटा है, 100 को पत्थर है। कौन लोग फोड़ा आपका? दूध दही जो पनीर बेचते हैं वो सब फोड़े। पनीर वाला पनीर है दुकानदार भैया, ठेला लगाते हैं सब फोड़े भैया। कितना ऑटो कम से कम? गिनिए 200 ऑटो। देखिए आप यहाँ देखिए, पुलिस भी मौजूद है यहाँ पे और शीशा जो है वो ऑटो का आप देखिए। देखिए जितना भी ऑटो आपको दिख रहा है उसका शीशा टूटा हुआ है। जहरीला पनीर बेचता है और जो है कि ये प्लान बना के और सबको मार के सिर उड़फाड़ दिया। आप लोगों को मारा गया है? हाँ जी मारा गया हुआ सर। पूरा अंदर बचा कर देखिए सर, पूरा अंदर। अचानक ऐसा बवाल क्यों हो गया? प्रीपेड काउंटर पे गाड़ी लगाने के चलते हम लोग को गाड़ी नहीं लगाने दिया जाता है। तो प्रीपेड ऑटो जहाँ लगता है वहाँ आपको नहीं लगाने दिया तो बवाल हो गया। हाँ, दुकानदार सब कब्जा किए हुए वहाँ पे और दुकानदार सब कहता है टेम्पो नहीं लगने देंगे। तो दुकानदार लोग आप लोगों को मारे हैं? हाँ, सब टोटल पूरा पनीर वाला मिल के सब देख दिया सर। देख लीजिए समर्थन है, आरजेडी का समर्थन है, नेता लोगों को नहीं नाम दीजिए। सीधे बोलता है ये तो सर कि यहाँ पर गवर्नमेंट सरकार ने हम लोग को टेम्पू चालक का जगह दिया है, टेम्पू चलाने के लिए की सुविधा मिला है कि साइड में आप लोग रहिए और टेम्पू को चलाइए। तो यहाँ पर कुछ दमंग लोग थे दूध मार्केट में, वो लोग देख लीजिए जो हालत आप लोग देखा है वो वीडियो पे सब बयां कर रहा है। आप उधर जस्ट कैमरा इधर कर दीजिए भैया, कैमरा इधर कीजिए जरा सा। हालत बयां कर रहा है। गरीब आदमी सिक्का सिक्का एक एक रुपए के लिए चून चान करता है और पब्लिक से पिटाता है, ये टेम्पो वाले का दशा है। ये एक टेम्पो नहीं, कम से कम 100 टेम्पो का यहाँ पर बुरा हाल हुआ है। ऊपर है और भी टाटा पार्क में अंदर लगा हुआ है। गवर्नमेंट से अनुरोध है कि दूध मंडी को अलग जगह दिया जाए और यहाँ पर से जरा सा रोड पे से ये सब आतंक जो हो रहा है रोड पे ये सब खत्म किया जाए। सरकार देखिए किस तरह से इन लोग जो गरीब चालक है उनको मारा गया है, पीटा गया है। और आप देखिए यहाँ पे ऑटो का जो शीशा है वो कितनी बुरी तरह से डंटा मार के तोड़ा गया है। बड़ा बड़ा ईंटा चला के मारा है, ड्राइवर सब भागा जान बचाने के लिए। इतना बवाल क्यों हो गया आज? दूध मार्केट वाला बताएगा। देखिए यहाँ पे DSP पुलिस भी प्रशासन भी पहुंची हुई है और आपको देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन भी यहाँ मौजूद है। आप यहाँ देखिए, हम पुलिस प्रशासन से भी बात करेंगे लेकिन देखिए पहले कि किस तरह का माहौल यहाँ पे बना हुआ है। पुलिस प्रशासन आपको दिख रहा होगा, बवाल जो हुआ वो देखिए। कोई भी ऐसा ऑटो नहीं है जिसका शीशा नहीं तोड़ा है लोगों ने। अंदर आके अंदर भी हम आपको लेके चलेंगे कि आखिर क्या हुआ। इसका कैमरा दिखाइए देखिए कैसे फोड़ा। देखिए ये बवाल है पटना जंक्शन के ऑटो स्टैंड का। चलिए आगे भी दिखाएंगे आपको कि क्या हुआ है यहाँ पटना स्टेशन पे। ये देखिए यहाँ पे ये बवाल है ऑटो स्टैंड पटना जंक्शन का। देखिए यहाँ पे इन लोगों का कहना है कि जो दूध मार्केट है वो उन्होंने बवाल कर दी, लाठी डंटा बरसाया गया है, सिर भी फोड़ा गया है। सिर भी फोड़ा हुआ है, बुलाओ इसको बुलाओ। चलिए अंदर, ये लोग कह रहे हैं कि अंदर और चलिए। ये देखिए एक एक ऑटो को तोड़ा गया है यहाँ पे, एक एक ऑटो को तोड़ा गया है। ये देखिए इसका नंबर मारिए, देखिए कितना है ये देखिए एक एक पत्थर डंटा। ये देखिए एक एक ऑटो को तोड़ा गया है और ये देखिए ऑटो स्टैंड। ये देखिए और यहाँ पे साफ आपको दिख रहा है कि ईंटा पत्थर बरसाया गया है। देखिए ये लोग का साफ तौर पे कहना है कि क्यों आखिरकार क्यों हम लोग
हम लोग ऑटो ही तो लगाते थे, इनकी क्या गलती है। और देखिए ये ऑटो चालक का गुस्सा देखिए, ये ऑटो स्टैंड के ऑटो चालक है जिनका गुस्सा जायज है क्योंकि ये लोग मेहनत करके अपना पेट पालते हैं, ऑटो ही इनका सहारा है, इनके घर का सहारा है। और कोई भी वो कोई भी हो आखिर बिना मतलब का क्यों इनका शीशा तोड़ेगा। ये देखिए देखिए ये गुस्सा है इन लोग का, ये ऑटो चालक है स्टेशन का और ये ऑटो स्टैंड है। जमीन का फोटो लीजिए सर। ये देखिए यहाँ पे बवाल हुआ है, थोड़ी देर पहले मैं बता दूं यहाँ पे बवाल हुआ है, ईटा पत्थर डंटा हर चीज है यहाँ पे और ऑटो स्टैंड में ईट पथराव हुआ है एक तरह से। शीशा देखिए पूरा गाड़ी का सब। देखिए ऑटो चालक का गुस्सा आपको दिख रहा होगा। यहाँ देखिए ये देखिए ये सीन है यहाँ का पटना के ऑटो स्टैंड, पटना रेलवे स्टेशन के ऑटो स्टैंड का। एक ऑटो को नहीं छोड़ा गया है, पता नहीं क्यों। आप बताएं हमें सीधा सीधी कि आखिरकार क्यों आप लोगों के साथ ऐसा हुआ। बात ऐसा है कि वहाँ हम लोग का बिहार सरकार से जगह मिला है लगाने के लिए दो गाड़ी का, कम से कम यहाँ से प्रीपेड में चलेंगे, ठीक ना। जोर जबरदस्ती दुकानदार लोग कहते हैं कि यहाँ से नहीं लगने देंगे हम ठेला टेम्पू तुम्हारा, हम लोग दूध मंडी है ठेला लगाएंगे पनीर बेचेंगे। मतलब पनीर वालों ने बवाल किया, है और ठेला दुकानदार लोग जो है लिट्टी सिंघाड़ा बेचता है वो लोग सब मिलके, मतलब दुकानदार लोग ने मारा है आप लोग। हाँ दुकानदार लोग, तो आप क्या करेंगे बोलविंद से मांग कर रहे हैं सरकार हमको जो शीशा फूटा है उसको मुआवजा चाहिए। न्यायालय के पास जाएंगे, न्यायालय जो बोलेगा वही होगा। गुस्सा जायज है, ऑटो चालक यहाँ पे मौजूद हैं और इन लोग का साफ तौर पे कहना है कि जो लोग पनीर बेचते हैं, जो लोग समोसा ये सब बेचते हैं, दुकानदार लोग, ऑटो चालक का जितना भी ऑटो है, ऑटो स्टैंड का नजारा आपने देख लिया, एक बार फिर से विजुअल में देखेंगे। चलिए तो पटना जंक्शन के ऑटो स्टैंड का क्या हाल था आप एक और बार देखिए, यहाँ एक भी ऑटो को छोड़ा नहीं गया है और ऑटो चालक क्या कुछ नहीं गए गुस्से में वो भी आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, धन्यवाद।